हाय गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे प्रिंट एंड क्वींस का सोल्यूशन। तो देखते हैं ज़रा क्या था वो समस्या। प्रॉब्लम वो थी ना, आपके पास ये एन क्रॉस एन का बोर्ड था, उसमें आपको एन रानियाँ प्लेस करनी थी और प्रिंट करना था वो कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक आंसर ये था कि यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ प्लेस कर दो और यहाँ प्लेस कर दो। दूसरा आंसर ये था, चार क्रॉस चार में दो आंसर होते हैं, तो आपको वो प्रिंट करनी थी कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे प्लेस करनी कि कोई किसी को मार ना सके रानी। अगर ऐसे आप चार रानियाँ प्लेस करोगे तो वो मार नहीं सकेंगे एक दूसरे को, क्योंकि वो तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगनली मारती हैं, तो सारी एक दूसरे से सेफ हैं। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन पूरी सेफ कॉन्फ़िगरेशंस थी, तो ये दोनों प्रिंट करनी थी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा। ये मेरे पास एक ऑप्शन तो ये कहती है कि किसी भी रो में ना दो रानी नहीं बिठा सकते, एक रो में एक ही रानी बैठेगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वो किल करती हैं, तो एक रो में दो रानी बैठाने का मतलब ही पैदा नहीं होता। तो मैंने प्रॉब्लम पता किसमें रिड्यूस कर दिया कि भाई एन क्रॉस एन का बोर्ड है, आपको एन रानियाँ बिठानी है, पर रो पे ना एक रानी कमिट कर दो। क्योंकि एक रो में देखो, एक रो में दो तो बैठ नहीं सकती, तो मतलब हर रो में एक ही आएगी। एक रो में दो बैठती तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, और एन प्लेस करनी है और एन ही रोज हैं, तो हर रो में एक आएगी। दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, एन रोज हैं, एन प्लेस करनी है और एक रो में दो बैठ नहीं सकती, तो हर रो में एक ही आएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम इस पर टर्न हो गई कि हम हर रो में रानी प्लेस करें। तो अब देखो, एक रो में सारे कॉलम्स में कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे जीरो थ्रो की बात करते हैं, जीरो थ्रो में मुझे पॉसिबली क्या ऑप्शंस दिखती हैं। ये जीरो थ्रो है, मैं जीरो कॉलम में पुट करूं या वन कॉलम में पुट करूं, तो जो लेवल है मैंने रो से बनाया है और ऑप्शंस में कॉलम की बना रहा हूं। जीरो थ्रो लेवल, रिकर्शन नीचे की तरफ बनाऊंगा। जीरो थ्रो लेवल, जीरो कॉलम में पुट करूं एक ऑप्शन, वन कॉलम में पुट करूं दूसरी ऑप्शन, टू कॉलम में पुट करूं तीसरी ऑप्शन, या थ्री कॉलम में पुट करूं चौथी ऑप्शन। लेट अस, मैंने ये ऑप्शन अवेल करी, यहां पुट किया। अब हम आ गए हर जगह फर्स्ट रो के लेवल पर। अब फर्स्ट रो में भी वही ऑप्शन है, जीरो कॉलम, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम। बस मैं ये ध्यान रखूंगा प्लेस करते हुए कि भैया वन में तो प्लेस कर लो, और ऑप्शंस भी आपके पास जीरो, वन, टू, थ्री, चार है। ठीक है, पर सेफ रह के पुट करना। अब यहाँ पर पुट करना सेफ नहीं है, क्योंकि वो किल कर देंगे एक दूसरे को, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो क्या यहाँ पुट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो क्या यहाँ पुट कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार हम ये थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार ये बन जाता है तो फिर हम थोड़ा कोड के साथ दोबारा देखेंगे। ठीक है, पहले एक बार सिर्फ पुट करने का, सेफ्टी भी छोड़ो, पहले सिर्फ पुट करना सीखते हैं। तो मैं छोटा बोर्ड लेता हूँ, जो मैं अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहा हूँ कि हर रो के अंदर रानी अपनी सारी चीज़ एक्सप्रेस कर पाएँ। तो जीरोथ रो है, जीरोथ रो में रानी के पास जीरो कॉलम की ऑप्शन है और वन कॉलम की ऑप्शन है। तो लेट अस से मेरा कोड यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पुट किया उसने। अब मैं वनथ रो पे आ गया। अब वनथ रो में भी दो ऑप्शन हैं, जीरो कॉलम, वन कॉलम, जीरो कॉलम, वन कॉलम। गलत जगह ड्रॉ किया, जो कॉलम्स हैं मैं वो एज के सहारे साथ बना रहा हूँ, कॉलम्स हैं वो एज के साथ बना रहा हूँ, और जो ये रोज हैं वो नोड्स की तरह बना रहा हूँ। तो मैं जीरो रो में जीरो कॉलम पे पुट करते हुए फर्स्ट रो पे आया, और फर्स्ट रो में जीरो कॉलम पे पुट करते हुए मैं सेकेंड रो के लिए आया, यहाँ पुट करते हुए। अब सेकेंड रो है ही नहीं, तो ये एक कन्फिग्रेशन, इसको प्रिंट कर दीजिए। ये कन्फिग्रेशन आपकी कहलाएगी जीरो 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 पे पुट हुई, और वन भी जीरो पे पुट हुई, जीरो जीरो वन जीरो। अब जब आप वापस जाएंगे ना, वापस जाएंगे तो भैया इसको मिटाना ना भूलिएगा। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में पुट करते हुए उससे पहले फर्स्ट के जीरो में डिलीट कर लीजिएगा। फर्स्ट के वन में पुट करके ही आप यहाँ आइएगा, दोबारा सेकेंड रो के लिए आइएगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, जीरो जीरो में पुट किया हुआ है और वन वन में पुट किया हुआ है, तो आपका आंसर बनता है जीरो जीरो वन वन। जाते हुए मिटाना ना भूलें, वन वन से मिटाना ना भूलें। और अब यहां भी वापस गिर रहे हो, ऊपर आते हुए डाल दिया था, वापस जाते हुए मिटा दें, क्योंकि इधर जाते हुए आप जीरो वन में डालेंगे। अगर आप मिटाएंगे नहीं ना वापस जाते हुए, तो फिर वो यहां भी रह जाएगा और यहां भी रह जाएगा। ये वाली बात समझनी जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसका कोड लिखवाऊंगा आपको, फिर आपको बात समझ में आने लगेगी। उस कोड के साथ देखेंगे इसे, टू के लिए ही रन करवाऊंगा। तो ये सवाल ना बैकग्राउंड समझने के लिए बहुत ही पुख्ता प्यारा सवाल है, इसको जहन में एकदम दिल में बिठा लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अपना एक चेस बोर्ड बनाया। सेफ्टी वेफ्टी हम बाद में सोचेंगे, पहले तो पुट करना सीख लें यार, सारे आंसर प्रिंट हो जाएं बस। ठीक है, किल करती है नहीं किल करती है तो बाद की बात है, पहले एन क्रॉस एन में हर रो में एक तो पुट करके देख तो लें, उतना हो गया, उसके बाद देखेंगे बाकी। प्रिंट एंड क्वींस चेस, क्वीन सो फार वुड बी जीरो, एंड शुरुआत में जीरो थ्रो के लिए हमने पास किया है। ठीक है, देखिए आपने रो के लिए कॉल लगाई है,
रो के लिए कॉल लगाई है, इस रो में कॉलम भी तो हैं, कॉलम कहाँ से कहाँ है, जीरो से लेकर स्क्वेयर होता तो चेस डॉट लेंथ ही लिख दो, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। तो अब चेक करो, चेक तो करने की जरूरत नहीं है वैसे, चेस में रो जो आपको पास की गई थी, कॉलम जो चीज ना पैरामीटर में पास की होती है वो लेवल पे दिखाई देती है, जिस पर आप लूप लगाते हो या जितनी कॉल्स निकालते हो वो ऑप्शंस होती है आपकी। दोबारा बोलता हूँ, लेवल्स आपके जनरली पैरामीटर के रूप में आते हैं, ऑप्शंस जनरली आपके यहाँ पर लूप या कॉल्स में नजर आते हैं। चेस रो कॉल में मैंने रानी को डाला, रानी को बचाना है, क्वीन सो फार में हमने लिखा कि कहाँ रानी प्लेस की गई है, रो कॉलम में प्लेस की गई है, ये रो को दिया बढ़ा अगले लेवल पर अगली रो। चेस पे वापस आते हुए, इसको देखो ध्यान से, वापस आते हुए मैंने इसको जीरो कर दिया, ठीक है। वापस आते हुए जीरो करना जरूरी है, मतलब रिकर्शन की कॉल के ऊपर वन क्या था, रिकर्शन कॉल के नीचे वापस आते हुए, रिकर्शन कॉल के नीचे मतलब वापस आते हुए, उसको करना बहुत जरूरी है। जब रो आपकी चेस डॉट लेंथ हो जाएगी तो मतलब खत्म हो गया, तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न करने से पहले हम क्वीन सो फार को प्लेस करेंगे, प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन क्वीन सो फार, ठीक है। लाइए इतने कोड को हम एनालाइज करते हैं, गेट टू नो। तो ये हमने कोड रखा यहाँ, ठीक है। तो जी अच्छा, रिकर्शन ना हमें या तो रिकर्शन नीचे की तरफ बनानी पड़ेगी या बोर्ड, एक मिनट के लिए मुझे ये आज़ादी दीजिए कि मैं बोर्ड ऊपर की तरफ बना सकूं, ठीक है। मुझे बोर्ड ऊपर की तरफ बनाने की इजाज़त चाहिए, तो ठीक है चलिए छोड़ते हैं, बोर्ड भी नीचे की तरफ ही बना, जैसा होना चाहिए वैसे ही करते हैं। बोर्ड नीचे की तरफ 0-1 होता है और कॉलम से इस तरफ 0-1 होता है, ठीक है। तो 0th रो आपने 0th रो के लिए कॉल लगाई, ये लूप है कि नहीं है आपका, तो ये लूप ऑप्शंस में दिखता है, 0 कॉलम 1 कॉलम। आप कहो तो मैं 0 के सामने आर लिख दूं और यहां 0 और 1 के सामने कॉलम लिख दूं। तो 0th रो मुझे पास किया गया था 0 कॉलम वाला लूप, ये लूप है, और 1 कॉलम वाला लूप, ठीक है। तो अब लूप कितनी बार चला वो इस लाइन से दिख जाएगा आपको, ये लूप पहली बार चल गया, लूप पहली बार चला तभी तो हम अगले लेवल पर आ गए, फर्स्ट रो के लिए आ गए। पर देखो जब लूप पहली बार चलेगा तो पहले वो रो कॉल में वन करवाएगा, उसने यहाँ रानी बिठाई, फिर जब ये कॉल लगाई तो कॉल लगने से हम फर्स्ट रो के बगल में आ गए, फर्स्ट रो के बगल में आ गए। अब फर्स्ट रो के लिए भी तो लूप दो बार चलेगा, 0 कॉलम 1 कॉलम। जैसे ही फर्स्ट रो के लिए ये लूप चला, यहाँ वन किया गया, अब जैसे ही ये चला कॉल लग गई, अगले लेवल पर आ गए, सेकंड रो, सेकंड रो पर प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट कर दो जी क्वेश्चन सो फार, तो रो कॉलम रो कॉलम। अब क्या प्रिंट करोगे जब यहां से आपने कॉल लगाई थी, दोबारा से दिखाता हूं एक बार, मेरे साथ चलेगा दोबारा से देखेगा। 0th रो के लिए कॉल लगी थी, लेवल था 0th रो, लूप कितना है, 0 कॉलम के लिए चलेगा 1 कॉलम के लिए चलेगा, अभी ये दोनों खाली हैं, ये लूप दो बार चलेगा, वो दिखा दो बार चलेगा, 0 कॉलम के लिए चलेगा जी, 1 कॉलम के लिए चलेगा जी, ठीक है। लूप के अंदर घुसे तो रो कॉलम पे पहले 1 कर दिया, लूप के अंदर पहले लूप के अंदर लूप ये एक बार चलेगा फिर दो बार चलेगा, पहले लूप के अंदर घुसे तो रो कॉलम के अंदर आपने 1 कर दिया, बिठा दिया, कॉल लगा दी, कॉल लगाई तो यहाँ पहुँच गए फर्स्ट रो, ठीक है। अब आपने फर्स्ट रो पर हो, आप फर्स्ट रो के अंदर भी तो ये लूप दो बार चलेगा, 0 कॉलम के लिए और 1 कॉलम के लिए, तो लूप अंदर घुसा 0 कॉलम के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट रो के 0 कॉलम में ट्रू होकर के फिर कॉल लग गई तो सेकंड रो आ गई, सेकंड रो आ गई तो प्रिंट कर दें, तो आपने 0010 आपका आंसर हुआ 0010। अब प्रिंट करके आप रिटर्न हुए, रिटर्न हुए तो इसी लाइन पे तो वापस जाएंगे आप, इसके नीचे एक लाइन है तो वो लाइन ऐसे वापस जाते हुए दिखेगी आपको, तो अब वापस जाते हुए आप इसे मिटा दें। अभी आपका फर्स्ट रो खत्म नहीं हुआ है, फर्स्ट रो का लूप दो बार चलना था, मतलब वो कैसे चला देखो, फर्स्ट रो का था वो जब यहाँ पर आया तो वो इस लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो आपने ट्रू मार्क किया, कॉल लगाई, आप नीचे आ गए, प्रिंट हुए, बेस केस में वापस गए, फिर जब वापस जा रहे हो तो आपने रो कॉलम को जीरो कर दिया। मतलब पता है क्या समझने वाली बात है, जो ये लाइन है ना आपकी, इसके ऊपर वाली लाइन ये एज के राइट साइड, ये इधर लेफ्ट साइड पे होती है, और इसके नीचे वाली लाइन ये एज के राइट साइड पे होती है, ठीक है ना, एज से ऊपर है इधर, एज से नीचे है इधर, ठीक है।
दोबारा से एक बार मैं थोड़ा सा अंदाजा देता हूँ आपको, जब ऐसे इस तरह का कोड होता है तो कोई लाइन पूरे फॉर लूप से पहले है और कोई लाइन पूरे फॉर लूप के बाद है, वो कहाँ होती है? ये नोड है आपका और ये एजेस हैं। जो पूरे फॉर लूप से पहले वाली लाइनें हैं वो नोड के लेफ्ट में होती हैं। जो ये कॉल है वो इस एज से डिनोट होती है। जो लूप के अंदर कॉल, जो लूप के अंदर कॉल से पहले है वो एज के लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है? जो लूप के अंदर कॉल के बाद है वो एज के राइट साइड पे होता है, ठीक है? तो फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा तो ये दूसरी कॉल से पहले एज का लेफ्ट, ये वाला एरिया, फिर जब दूसरी कॉल से वापस आ रहे होंगे तो ये वाला एरिया। अभी तो लूप सारा चल चुका है, तो अगर ये वाली लाइनें चलनी है तो ये वाला एरिया, ठीक है? मैं दोबारा से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट अस से कि आपका ये लूप 3 बार चलने वाला है, ये लूप 3 बार चलने वाला है, तो 3 कॉल निकलेंगी, पहली कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल। तो कुछ लाइनें यहाँ हैं, कुछ लाइनें यहाँ हैं, कुछ लाइनें यहाँ हैं, कुछ लाइनें यहाँ हैं। तो जो सबसे पहली वाली लाइन है फॉर लूप से पहले, ये नोड का लेफ्ट पे चलती है, ठीक है? अब लूप चालू हुआ, ये पहली कॉल है, तो पहली मतलब लूप से पहले, ये कॉल से पहले लूप के अंदर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये पहली कॉल पे जाने से पहले चलेगी ना, तो ये आपके डायग्राम में यहाँ है, ठीक है? कॉल लगाकर फिर जब आप वापस आएंगे तो जो लूप के बाद चलेगी वो इस एज के राइट साइड पर है। फिर जब दूसरी कॉल लगेगी, कॉल लगने से पहले ये काम हो रहा है, तो ये इधर एज के लेफ्ट में दिखेगा। कॉल लगाकर जब आप वापस आएंगे तो एज के बाद है तो इस कॉल के राइट साइड पे दिखेगा। फिर तीसरी बार डायग्राम को और चलना है, तीसरी बार लूप के अंदर घुसे, ये काम हो रहा है, तो मतलब ये काम यहाँ हो रहा है, जाने से पहले यहाँ ये काम किया गया, इस कॉल लगने से ऊपर चले गए, फिर वापस आए, वापस आने के बाद ये वाला काम किया। अब लूप खत्म हो गया, अब ये वाला पार्ट चलेगा लूप के बाद, तो ये नोड के लेफ्ट में होता है, ठीक है? तो पूरे फॉर लूप से पहले नोड के लेफ्ट वाला पार्ट, पूरे फॉर लूप के बाद नोड के राइट वाला पार्ट। लूप के अंदर जो कॉल लगी हुई है, तो लूप के अंदर जो कॉल से पहले वाली लाइनें हैं वो एज के लेफ्ट पे होती हैं, और कॉल के बाद जो लाइनें हैं वो एज के राइट पे होती हैं, ठीक है? आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आई हो, ये बात दिमाग में बिठानी बहुत ही जरूरी है। नेवरथलेस वी कमिंग बैक टू दैट, विद दैट नॉलेज, जो अभी अभी हमने नॉलेज गैदर करी उसी के साथ हम वापस आते हुए, तो 0 रो में थे जी, 0 रो के लिए कॉल लगाई थी, लूप चलेगा 2 बार, 0 कॉलम के लिए और फर्स्ट कॉलम के लिए, ठीक है जी? लूप के अंदर घुसे, मैं ये 0 रो के लिए पहली बार अंदर घुसा, पहली बार अंदर घुसा तो ये लाइन चली, रो कॉलम मतलब यहाँ ट्रू कर दिया, मैं यहाँ पहुँच गया फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो के लिए भी ये लूप 2 बार चलेगा, 0 कॉलम 1 कॉलम, 0 कॉलम 1 कॉलम। उसके बाद हम सेकेंड रो में चले जाएंगे, सेकेंड रो में कुछ है नहीं, सेकेंड रो में केवल प्रिंट होना है। तो फर्स्ट रो के लिए जब मैं अंदर घुसूंगा, तो मतलब जब मैं इस साइड होऊंगा, तो पहले मैं यहाँ ट्रू डालूंगा और फिर कॉल लगने से सेकेंड रो पर पहुंच जाऊंगा, सेकेंड रो पर प्रिंट होगा, तो 0 0 यहाँ पे दिख रहा है, 0 0 1 0 हम प्रिंट करेंगे, 0 0 1 0 प्रिंट किया। प्रिंट करके जब मैं वापस लौटा तो कॉल के, मैं इस साइड पर हूँ ना, कॉल के नीचे वाली स्टेटमेंट चलेगी, जिसका मतलब इसे मिटा दीजिए, हटा दीजिए। क्यों मिटा दीजिए? क्योंकि अब जब लूप दूसरी बार चलने लगेगा तो वो इसी रो के दूसरे डब्बे में फर्स्ट कॉलम में ट्रू कराएगा, और वो इधर भेज रहा है ना, तो यहाँ ट्रू करा रहा है, और फिर कॉल लगकर आप दोबारा ऊपर पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, तो आपने प्रिंट करना है 0 0 1 1। और जब तुम यहाँ से वापस गिरोगे तो इसको भी मिटाइए, मिटाइए यहाँ से। अब आप गिरे 0 रो वाले लेवल पर दोबारा वापस, 0 रो का लूप अभी तक एक ही बार चला था, वो भी उसका ये वाला पार्ट चला था, ये वाला पार्ट चला था, ये वाला पार्ट चला था, तो ये ट्रू हो गया था, ये वाली लाइन चली तो कॉल लगकर आप ऊपर आ गए थे। अब वापस जा रहे हो, तो अब जब इधर जा रहे हो तो ये वाला पार्ट चल रहा है, तो मतलब उसको मिटाइए। अब लूप एक बार चल चुका है 0 रो वाले लेवल पर, तो अब 0 रो पर वो 1 कॉलम के लिए चलना चाह रहा है, तो पहले ऊपर वाली लाइन चलेगी, कॉल से ऊपर वाली लाइन चली तो ये ट्रू हो गया, कॉल लगी तो हम 1 रो पर पहुंच गए, कॉल लगी तो हम यहाँ पहुंच गए, जब ये चला तो ट्रू हुआ, कॉल लगी तो हम यहाँ पहुंच गए 1 रो के ऊपर। अब 1 रो के लिए लूप स्क्रैच से चलेगा, 1 रो के लिए लूप स्क्रैच से चलेगा, तो उसके लिए लूप 2 बार चलेगा 0 और 1 के लिए। 0 के चलना चाहता है तो पहले 0 के लिए चलना चाहता है तो पहले यहाँ ट्रू किया, फिर कॉल लग गई, कॉल लग गई तो यहाँ पहुंच गए, पहुंच गए तो प्रिंट करा, क्या प्रिंट हुआ, 1 0 1 1 0। प्रिंट करके अब वापस लौटे तो ये किया, ये किया तो ये मिट गया। अब लूप एक बार और चलना है 1 रो के लिए, कौन से कॉलम के लिए, फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए चलना है,
जब ये चली लाइन तो यहाँ ट्रू हुआ, जब ये चली लाइन तो कॉल लगकर यहाँ पहुँच गए, ऊपर पहुँचे बेस केस में तो प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ 0111। प्रिंट करके जब वापस एज के राइट पे आए तो ये चल गई, ये चल गई तो मतलब ये मिट गया, ठीक है, फर्स्ट रो खत्म हो गई। अब ऑल द वे नीचे गिरे, जीरो रो के लिए उस साइड पे गए तो वो मिट गया और सारा काम खत्म हो गया, बाहर निकल गए, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। तो एक बार के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमने कोड लिख लिया है इतना, क्या ये हमें दो के लिए जो हम सोच रहे हैं वो आंसर देगा। लेट अस ट्राई टू मेक इट पॉसिबल। हाँ जी, 0010 0011 0110 0111, चार ऑप्शन हमें दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन तो क्रिएट कर रहा है। तो मगर हमें ऐसे सब जगह थोड़े प्लेस करना है, हमें एक छोटा सा ध्यान और रखना है। हमें वो छोटा सा ध्यान क्या रखना है, हमें वो छोटा सा ध्यान बेटा ये रखना है कि रानी प्लेस करते हुए रानी सेफ भी तो होनी चाहिए। मित्रों, रानी सेफ नहीं है तो कुछ सेफ नहीं है। ठीक है जी, तो अब देखिएगा, अब थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम को फैलाते हैं। जीरो रो के लिए जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो भाई जीरो रो और जीरो कॉलम, मतलब यहाँ स्टार बिठाते हुए मैंने कॉल लगा दिया, ठीक है। अब मेरे को अनुमति चाहिए आपसे, क्योंकि मुझे ना ड्रॉ नहीं हो रहा ऊपर से नीचे की तरफ, तो मुझे नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करने की अनुमति चाहिए आपसे। तो मित्रों, ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुमने मुझे अनुमति दी है। हाँ जी, ये रही जीरो रो। जीरो रो के पास क्या क्या ऑप्शन है, भाई जीरो कॉलम में पुट कर सकता है, भाई वन कॉलम में पुट कर सकता है, भाई टू कॉलम में पुट कर सकता है, भाई थ्री कॉलम में पुट कर सकता है, ठीक है। तो जीरो रो ने, और वो कोड भी ले आते हैं, ये कोड क्या करेगा यहाँ रहकर, कहाँ रहोगे बरखदार, यहाँ रहिए, ठीक है। तो जीरो रो के लिए आए थे, ये लूप चल रहा है उसका, जीरो कॉलम, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम। तो जब लूप पहली बार चलेगा, पहली बार चल के ये वाली लाइन ही तो चलाएगा, ये वाली लाइन चलाएगा, तो जीरो जीरो में उसने किया ट्रू और फिर ये कॉल लगने से ऊपर चढ़ गया, ये मतलब यहाँ पहुँच गया और यहाँ तो फर्स्ट रो इंतज़ार कर रही है उसका। अब फर्स्ट रो के लिए भी तो लूप चार बार चलेगा, मतलब जीरो कॉलम, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम। अब अगर मैं कुछ ना करूँ, जो ये कोड लिखा हुआ है यही चलने दूँ, यही कोड चलने दूँ, तो क्या करेगा, वन रो के जीरो कॉलम में पुट कर देगा। जब लूप चलना चालू होगा जीरो कॉलम के लिए, तो वन जीरो में यहाँ डाल देगा, यहाँ डाल देगा, ये दोनों रानी तो सेफ ही नहीं है। तो मुझे ऐसे पुट नहीं करना, आई हैव टू मेक श्योर कि जो मैं दूसरी रानी पुट कर रहा हूँ वो सेफ हो। मैं एक छोटा सा फंक्शन यहाँ लिखूंगा, आई जस्ट कैन नॉट पुट इट लाइक दैट, बट आई वुड चेक इज क्वीन सेफ, इज इट अ सेफ प्लेस फॉर द क्वीन, जहाँ हम इस क्वीन को बिठा रहे हैं क्या वो उस क्वीन के लिए खतरनाक जगह तो नहीं है। चेस कॉमा रो कॉमा कॉल, इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज अ सेफ प्लेस फॉर द क्वीन देन वी कैन पुट इट, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो सेफ कब होता है, देखो सेफ कब होता है, जैसे कि मान लो ये वाली क्वीन हम यहाँ पर इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाली से मार देगी, तो ये सेफ नहीं है। फिर मैं यहाँ भी पुट नहीं कर सकता क्योंकि वो डायगनली मार देगी, तो ये भी सेफ नहीं है, ठीक है। मगर मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, मैंने कैसे कन्फर्म किया, मैंने कैसे कन्फर्म किया, वर्टिकली चेक किया और डायगनली चेक किया। हम कैसे चेक किया, ये चेक करना है, ये चेक करना है और ये चेक करना है, यहाँ पर कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये पता लग गया। तो फिर हम अगली रो के लिए कॉल लगा दिया हमने, तो हमें जीरो पे प्लेस नहीं किया, जीरो कॉलम में पुट नहीं किया, वन में पुट नहीं किया, टू में पुट करके कॉल लगा दी, तो हम सेकंड रो पर पहुँचे। अब सेकंड के पास भी जीरो कॉलम, वन कॉलम, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, ये ऑप्शंस हैं। अब जीरो में मैं पुट नहीं कर सकता, सेफ नहीं है, वन में पुट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ से सेफ नहीं है, टू में पुट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ से सेफ नहीं है, थ्री में पुट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ से सेफ नहीं है। तो इससे आपको पता लगता है कैसे कैसे सेफ्टी पता लग जाती है। ऐसे वर्टिकली चेक करो, इस डायगोनल पे चेक करो, वर्टिकली चेक करो, इस डायगोनल पे चेक करो। तो आपको वर्टिकली ऊपर चेक करना है, इस डायगोनल पे चेक करना है, इस डायगोनल पे चेक करना है, आपको इन तीन दिशाओं में चेक करना है। अपनी रो में चेक करने की जरूरत नहीं है, ऊपर चेक कीजिए, इधर चेक करिए, इधर चेक करिए, तो आप कहीं वहाँ रानी बैठी हुई तो आपको मार देगी, ठीक है। तो ये हम चेक करेंगे, तो देखिएगा मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली आपको सिखाता हूँ कि कैसे चेक करें कि सेफ है रानी को बिठाना कि नहीं। तो लेट अस से आप मुझे कहते हैं मैं यहाँ क्वीन बिठा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ बेटा इन सबको देख लो, इन सबको देख लो और इन सबको देख लो,
आप इस रो कॉमा कॉलम पे बिठा रहे हो ना, तो यहाँ रानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ रानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ रानी नहीं होनी चाहिए। नीचे तो अभी प्लस कोई प्लेस करी ही नहीं है, इस रो में कोई प्लेस करी नहीं है, तो ऊपर वाली रानियाँ वर्टिकली आप इस डायगोनल पर, इस डायगोनल पर होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करके देखते हैं इसे कैसे चेक करें। इज इट सेफ टू प्लेस, इज इट अ सेफ प्लेस फॉर द क्वीन। पब्लिक स्टैटिक बूलियन, इज इट अ सेफ प्लेस फॉर द क्वीन। तो आपने मुझे चेस बोर्ड पास किया है, ठीक है, आपने मुझे रो पास किया है, आपने मुझे कॉलम पास किया है, और मुझे बताना है वो सेफ प्लेस है कि नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, मैं सबसे पहले वर्टिकली चेक कर रहा हूँ। वर्टिकली चेक करने के लिए क्या करना होगा, अगर ये आई कॉमा जे है, ये आई माइनस वन कॉमा जे है, मुझे ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, फॉर, देखिए, फॉर इंट आई इक्वल टू रो माइनस वन, जे इक्वल टू कॉलम वही रहेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस होगी, जे को कुछ नहीं होगा। वर्टिकली चेक कर रहे हैं ना, तो अगर इन आई जे की जगहों पर हमें कहीं चेस आई जे में कोई रानी बैठी मिली, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, भैया सेफ नहीं है। तो ये हमने पॉजिटिव, ये हमने वर्टिकल चेक कर लिया। अब लाओ एक डायगनल चेक करें, कौन सा वाला डायगनल, ये वाला डायगनल। तो आई जो है वो रो माइनस वन है, कॉलम जो है जे है जो कॉलम माइनस वन है, और दोनों ही चीजें माइनस माइनस हो रही हैं। बिना डरे हम कहेंगे इंट आई इक्वल टू रो माइनस वन, टू रो माइनस वन एंड जे इक्वल टू कॉल माइनस वन, आई भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दोनों माइनस माइनस होंगे तो आई भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस दोनों किया। अगर ऐसा किया और कहीं भी ऐसा करते करते आपको बीच में रानी मिली तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस तरफ की, ये तो आई माइनस वन है, रो में तो आई माइनस वन, रो माइनस वन हुआ, और कॉलम एक बढ़ा हुआ है, कॉलम प्लस वन है, और जब ऊपर भी जा रहे हैं ना तो रोज तो कम हो रही हैं, कॉलम बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आई तो रो माइनस वन से स्टार्ट हुआ, लेकिन जे जो हुआ वो कॉलम प्लस वन पे स्टार्ट हुआ, आई तो ग्रेटर देन जीरो, आई तो माइनस होंगी लेकिन जे तो बढ़ेगा, उधर जा रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं तो जे तो बढ़ रहा है, आई तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चेक होगा, जे लेस देन चेस डॉट लेंथ चेक होगा। ठीक है जी, कहीं रानी मिली तो रिटर्न फॉल्स, अगर यहाँ पर तीनों ही जगह कुछ फॉल्स नहीं मिला, कोई रानी नहीं मिली तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, नाउ वी आर डन, नाउ वी आर डन, हमारा सेफ्टी चेक करता है ये। तो अब अगर आप चलाओगे फोर के लिए चलाओगे तो आपके दो आंसर आएंगे, हम इसे एक रन देके देखते हैं कि दो आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो दो आंसर आ रहे हैं, आई थिंक एक फुल स्टॉप और लगाना है लास्ट में। अब मैं इसे सबमिट करके देखता हूँ, तो दो रॉन्ग आंसर हैं, वो मोस्ट लाइकली एम्प्टी टेस्ट केसेस होंगे, मैं इसे जस्ट कंफर्म कर देता हूँ। एम्प्टी टेस्ट केसेस को हमारा कंपाइलर हैंडल नहीं करता है, तो उसको बुरा नहीं मानिएगा। इनपुट टू, हाँ जी, टू के लिए, टू के लिए कोई आंसर नहीं होता, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ब्लैंक है, हमारा आउटपुट भी ब्लैंक है, वो रॉन्ग दिखा रहा है, जो हमारा ऑनलाइन जज में मिस्टेक है, क्वेश्चन सही है, सब हमने सोल्यूशन सही बनाया है, ये भी एम्प्टी वाला होगा मुझे काफ़ी यकीन है। तो जी इनपुट इस बार क्या है, थ्री, थ्री के लिए मैं जानता हूँ कोई आंसर नहीं होता, तो एक्सपेक्टेड था ब्लैंक और एक्चुअल भी था ब्लैंक। ये क्या इशू है, ये इशू है, जब भी ब्लैंक आंसर आता है ना, तो अगर हम ब्लैंक आंसर प्रिंट भी करते हैं तो हमारा ऑनलाइन जल्द से हैंडल नहीं कर पाता, ये बग मैं फिक्स करवा दूंगा, अभी ये बग हमारे यहाँ फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, अदरवाइज कोड सही है, मैं इन दोनों टेस्ट को डिलीट कर दूंगा, टू और थ्री वाले को। ठीक है, अब इसे एक बार एनालाइज कर लेते बेटा, एनालाइज कर लेते हैं हुआ क्या है मेरे साथ, मित्रों एक बार एनालाइज कर लो। हमने सिर्फ एक छोटा सा चेक और लगाया है, जो पहले कोड लिखा था उसमें छोटा सा चेक और लगाया है, कि हमने ये सेफ्टी चेक करी, इज इट सेफ टू प्लेस द क्वीन देयर, बस ये छोटा सा चेक और लगाया है, बाकी सब वही है। तो ये मैंने कोड उठाया, वही पुराना लूप वगैरह सब कुछ वही है, बस मैंने इज इट सेफ टू प्लेस द क्वीन लिखा है, सिर्फ ये फाइनल ड्राई रन है, इसके बाद हम इसको खत्म करने लगे। कोड तो सबमिट हो ही चुका है, तो पेशेंस से सुनिएगा प्लीज, देखिएगा। तो पहली रो के लिए आपने पास किया, ये रो है, जीरो कॉलम, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, उसकी मर्जी, तो उसने ये ऑप्शन अवेल किया, तो वो ऊपर जाने से पहले यहाँ पर मार्क करके गया। अब फर्स्ट रो पे आए, अब यहाँ भी इसके पास ऑप्शन तो जीरो, वन, टू और थ्री सारी हैं, लेकिन वो जीरो को अवेल नहीं करेगा क्योंकि सेफ नहीं है, वन को अवेल नहीं करेगा क्योंकि सेफ नहीं है, टू को अवेल करेगा। तो देखिए उसमें कैसे चला, वो
लूप ऐसे चला, जीरो को वेल नहीं करा, वन को वेल नहीं करा, टू को वेल करा, टू को वेल करके यहाँ पहुंच गया। और जब वो यूँ सात से निकल रहा है ना, लेफ्ट साइड से निकल रहा है, तो लेफ्ट साइड से निकलते हुए वो ट्रू मार्क करके जाता है, यहाँ पर से ट्रू मार्क करके टू पर पहुंच गया। अब यहाँ से ऑप्शन हैं जीरो वन टू थ्री, तो यहाँ पुट नहीं कर पाएगा, ये सेफ नहीं कर रहा, यहाँ नहीं कर पाएगा, यहाँ नहीं कर पाएगा, यहाँ नहीं कर पाएगा, तो वो पूरे में से निकल गया, पुट ही नहीं कर पाया, पहला भी सेफ नहीं, दूसरा भी सेफ नहीं, तीसरा भी सेफ नहीं, चौथा भी सेफ नहीं, चल गया लूप, चारों के लिए सेफ ही नहीं हुआ, और उसको वापस गिरना पड़ा, वापस गिरना पड़ा पिछले लेवल पे, पिछले लेवल के टू पे गिरेगा तो वो टू को हटाएगा पहले, टू को पहले हटाएगा, फिर जब लूप आगे बढ़ेगा तो थ्री पे पुट करेगा। ठीक है, अब वो लूप यहां चलने लगा, थ्री पर प्लेस करा और लूप यहां दोबारा आ गया टू के ऊपर। तो मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा, सेकेंड रो पर आप दोबारा आ गए हैं, सेकेंड रो पर फिर से आपके पास मौके हैं जीरो वन टू थ्री, तो आप जीरो में पुट नहीं कर सकते, वन में पुट कर सकते हैं, तो आपका लूप यूं यूं गया, वन में पुट कर सकते हैं, तो वन में पुट करते हुए थर्ड रो को कॉल लगाई, थर्ड रो पर जीरो वन टू थ्री आपके पास ऑप्शन हैं, पर जीरो में पुट नहीं कर सकते, वन में नहीं कर सकते, टू में नहीं कर सकते, थ्री में नहीं कर सकते, हर जगह से अनसेफ है, अनसेफ 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 अनसेफ, तो सबको काटते हुए वापस गिरा, सबको काटते हुए वापस गिरा, थ्री से वापस गिरा, तो वन की राइट साइड से जा रहा है तो टू कॉमा वन में से मिटाना होगा, मिटा दिया, तो अब हम टू कॉमा टू में ट्राई करेंगे, नहीं पुट कर सकते, टू कॉमा थ्री में ट्राई करेंगे, नहीं पुट कर सकते, तो वो यूं काटते हुए निकल गया। तो देखिए कैसे चला, तो यूं गया था जीरो को छोड़ते हुए, थ्री की ऑप्शंस थी जीरो वन टू थ्री, ऐसे गया एक कोड, यहां से जीरो वन को छोड़ते हुए यहां पर नहीं फैल पाया था, यूं बढ़ रहा है, यहां पर जीरो को छोड़ा, फिर जीरो वन टू थ्री सबको छोड़ते हुए वापस आया टू से टू को, एक दोबारा मौका दीजिएगा, नियरली हो गया ये एक फाइनल आइटरेशन जिससे आपको सारी क्लैरिटी मिल सके। ये रही जीरो रो, ऑप्शंस हैं जीरो, और इसको मिटाई दो, आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी, जीरो वन टू थ्री, डायग्राम के साथ चलना चाहता हूँ, तो कोड यहाँ से आया, तो क्या जीरो में सेफ है, हाँ जी सेफ है, तो पुट कीजिए, पुट करके कॉल लगा दी, पुट करके कॉल लगा दी, तो हम यहाँ पहुँचे वन पर, अब वन से जो ऑप्शंस हैं वो हैं जीरो वन टू थ्री, तो वन जीरो में सेफ है, नहीं नहीं, तो ये कटा कटा, वन टू में सेफ है, हाँ जी पुट करके कॉल लगा दी, मैं यहाँ पहुँच गया टू ए थ्रो में, जीरो वन टू थ्री, मतलब मैं ड्रॉ कर दूँ पहले, इन सारी ऑप्शन को चेक करेंगे, हाँ जी जीरो में सेफ नहीं है, वन में सेफ नहीं है, टू में सेफ नहीं है, थ्री में सेफ नहीं है, तो सबको काटते हुए हम जब वापस गिरे तो इसको यहाँ मिटा दिया गया, मिटाकर थ्री पे जाने से पहले थ्री पे, थ्री की राइट साइड पे यहाँ पर टू डाल दिया गया, फिर से आप टू पर पहुँचे, लेकिन पहले टू में प्लेस करके टू पर पहुँचे, आप थ्री में प्लेस करके टू पर पहुँचे। ठीक है, अब इस टू पर जब आप हो तो फिर से आप जीरो वन टू थ्री को आजमाएंगे, सेकेंड रो पर आप हो जीरो वन टू थ्री को आजमाएंगे, जीरो में प्लेस नहीं कर पाएंगे तो कट गया, वन में प्लेस कर पाएंगे तो क्लाइंब कर गए, पुट करके क्लाइंब कर गए, तो थ्री में पुट करके आप जीरो वन टू थ्री ट्राई करेंगे, लेकिन जीरो में पुट नहीं कर पाएंगे, वन नहीं कर पाएंगे, टू नहीं कर पाएंगे, थ्री नहीं कर पाएंगे, तो आपकी चौथी रानी आप पुट ही नहीं कर पाए, वापस आते हुए आपने इसको मिटा दिया, मिटा दिया। अब आप टू पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, पर टू में पुट नहीं कर पाएंगे, थ्री में पुट नहीं कर पाएंगे, तो ये कट गया, कटते हुए आप टू से गिरे, सेकेंड रो से गिरे, सेकेंड रो से वन वन कॉमा थ्री के राइट से गुजर रहे हो आप, तो वन कॉमा थ्री को मिटा दिया। अब जीरो 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 से गिर रहे हैं आप, तो आपने जीरो जीरो को मिटा दिया, और जीरो वन पे जाने से पहले आपने ये यहाँ पुट किया, जीरो वन, जीरो वन में पुट करते हुए फर्स्ट रो पे जा रहे हो, तो आपने यहाँ पुट किया, बस पहला आंसर आते हुए देख लीजिए आप, बड़ी खुशी होगी अगर वहाँ तक मुझे पहुँचने देंगे तो। हाँ जी, अब ये वन कोशिश करेगा जीरो में, वन में, टू में, थ्री में, जीरो में नहीं कर सकता, टू में नहीं कर सकता, जीरो में नहीं कर सकता, वन में नहीं कर सकता, टू में नहीं कर सकता, थ्री में कर सकता है, तो ये लूप काटते हुए यहाँ पहुँचा, यहाँ पुट करते हुए यहाँ पहुँचा, सेकंड रो पे पहुँचा, सेकंड रो पे जीरो वन टू थ्री उसके ऑप्शंस हैं, लेट्स सी क्या जीरो में कर सकता है, हाँ सेफ है जी, तो जीरो में प्लेस करते हुए अगली रो पे पहुँचा, थर्ड जीरो वन टू थ्री ऑप्शंस हैं उसके पास, देखते हैं, जीरो में नहीं कर सकता, वन में नहीं कर सकता, टू में कर सकता है, जीरो वन को छोड़ते हुए टू में
प्लेस करते हुए ऊपर गया, फोर्थ रो आ गई, तो आपका एक सेट प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर आप एक प्रिंट करेंगे 0 के 1 में, 1 के 3 में, 2 के 0 में, 3 के 2 में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता है आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।